जब भी आप मलेशिया का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही इमेज और एक सिटी का नाम आता है और वो है पेट्रोनस टावर और कुआलालंपुर। बट मलेशिया एक बहुत बड़ा देश है तो उसमें एक्सप्लोर करने की प्लेसेस बहुत सारे हैं, तो उसमें से एक है पिनांग आइलैंड, जहाँ की हिस्ट्री भी ब्रिटिश रूल से जुड़ी हुई है। पर आज की वीडियो में हम कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बताने वाला हूँ मैं, बट आज से करीब 150 साल पहले एक चाइनीज बिजनेस टाइकून था, उसने एक मैंशन बनाया था यहाँ, तो उसी की इंटरेस्टिंग स्टोरी हम जानते हैं। तो गाइज हुआ है कि मैं जब मैंने वीडियोस एडिट कर रहा था तब मुझे पता चला कि कोई फुटेज ही नहीं है जितनी मैंने शूट करी है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश चाइनीज़ और मले में टूर्स भी होती है जिसकी 25 रिंगेट प्राइस होती है, और मैंने इंग्लिश गाइडेड टूर भी लिया था, तो वो मैंने पूरा शूट किया था। पर पता नहीं जब मैं एडिट करने बैठा, जब मैं अपने कंप्यूटर में ढूंढा तो मिला ही नहीं मुझे, तो शायद पता नहीं डिलीट हो गई होगी जब मैं फुटेज ट्रांसफ़र कर रहा होगा। तो मेरे पास जितनी भी फुटेज थी, मेरे पास जितने भी वीडियोस थे मेरे फ़ोन में जो मैंने रखे थे, तो उसको मैंने पूरा एक मिक्स करके एक वीडियो बनाया। तो अर्ली मॉर्निंग सारे फैमिली चांगी एयरपोर्ट के लिए निकल गए, मैंने तो ऑनलाइन चेक इन कर ही दिया था, तो सिर्फ बोर्डिंग पास ही लेना। फिर एयरपोर्ट पर थोड़ा ब्रेकफास्ट करके लाइन में हम खड़े हो गए, पर बाहर देखा तो एकदम से बारिश होने लगी, तो सोचा शायद फ़्लाइट डिले हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फ़्लाइट टाइम से डिपार्ट हो गई थी। पर जैसे जैसे हम सिंगापुर से दूर जा रहे थे तो हम रेनी वेदर से सनी वेदर की ओर जा रहे थे, और फ्लाइट से नज़ारा भी कुछ अमेजिंग था बिकॉज वी वर गोइंग टू एन आइलैंड। और तो और ये एयरपोर्ट एकदम समंदर से लग के है, टेम्पररी इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड एक डर तो लगता ही है कि कहीं एंट्री रिजेक्ट ना कर दे। बाय द वे एयरपोर्ट बहुत अच्छा था। फिर सारा कुछ लगेज लेके हम लोग पिनांग मेनलैंड की ओर निकल गए, क्योंकि एक दिन हम वहाँ अपने रिलेटिव्स के घर रहने वाले थे। तो पिनांग आइलैंड और मेन लैंड को कनेक्ट करते दो ब्रिजेज हैं यहाँ पे, वन इज़ ओल्ड वन एंड अनदर वन इज़ न्यू वन। द न्यू ब्रिज इज़ अराउंड 13.5 किलोमीटर लॉन्ग विद ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सी। जैसे ही हम मेन लैंड में एंटर करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखने लगी जो आमतौर पर हर बड़ी सिटीज़ में होता है। आई थिंक ये दुनिया की सबसे सेक्युलर रोड है, क्योंकि यहाँ मॉस्क, हिंदू टेम्पल, गुरुद्वारा, चाइनीज़ टेम्पल, बुद्धा टेम्पल, सब कुछ एक के बाजू में एक है। तो आइए अब चलते हैं पिनांग कन्वेंशन की ओर। जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आप देखते हो चाइनीज़ डिज़ाइन की वुडन पैनल्स, यूरोपियन फर्नीचर और इंग्लैंड से इंपोर्ट की गई टाइल्स, और यहाँ तक कि आयरन रॉड्स भी स्कॉटलैंड से इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये मेंशन इनिशियली 1890 में बनना स्टार्ट हुआ था, जो एक चाइनीज़ बिजनेस टाइकून चुंग कैंग की ने बनाया था। पिनांग मेंशन एक लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए फेमस था, और ये मेंशन रिचनेस और ब्यूटी दिखाता था। मिट्टी से बने बर्तन से लेकर रियल गोल्ड के ज्वेलरीज तक, ये सब फैमिली की लग्जरी लाइफ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये मेंशन सिर्फ एक फैमिली का घर नहीं था, पर एक सोशल सेंटर भी था जहाँ पे उनकी कम्युनिटी के गैदरिंग्स और कल्चरल इवेंट्स भी होते थे। हालांकि दूसरी हिस्टोरिक प्लेसेस की तरह ही ये मेंशन भी बहुत सारे लोगों के हाथ लगा था, और जब चुंग कैंग की डेथ हुई तो एट दी एंड ये भी जर्जर हो गया। लेकिन फिर कई अच्छे लोगों ने हिस्ट्री को रिस्टोर किया और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं 150 साल पीछे हिस्ट्री में चले गए हो। तो ये सिर्फ एक हेरिटेज नहीं है, बट पिनांग कम्युनिटी का जीवंत एग्जाम्पल है। ये मैनीक्विन में जो आप क्राउन देख रहे हो वो रियल बर्ड के फेदर से बनाया हुआ है, और ये बर्ड्स अभी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया है। तो ये सारा कुछ दिखाता है कि चुंग कैंग बहुत ही शौकीन था, और अपनी सारी वाइफ्स को गोल्ड की ज्वेलरीज देने का उसको बहुत शौक था। दिस इज द किचन वेयर दे यूज टू कुक देयर फूड। हाँ, किचन उतना लग्जरियस नहीं है। वन थिंग हियर टू अप्रिसिएट इज दैट इट वॉज डिजाइन इन सच अ वे दैट दे वुड गेट सनलाइट थ्रू आउट द डे। घर में हर एक रूम और जगह एक स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था, इसीलिए आप देखोगे कि हर एक रूम अलग है। इन मॉडर्न टर्म्स यू कैन से थीम। और ये सारे रूम इंक्लूडिंग बेडरूम्स उनकी चाइनीज़ बिलीफ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया था, जैसे अपने यहाँ हिंदूज में वास्तु शास्त्र होता है।
फनी बात यह है कि 150 ईयर्स ओल्ड क्लोथ्स अभी भी प्रिजर्व करके रखे गए मेंशन के ओनर और उसके फैमिली मेंबर्स के। अभी सामने जो वर्टिकल पीसीज है वो उनके पूरी जनरेशन की है, बेसिकली फैमिली हायर की टिन लांग। अभी आदमी कितना भी अमीर हो जाए पर भगवान को नहीं भूलता, तो उसने पूरा चाइनीज टेम्पल ही अपने घर में बनाया था जहाँ पे वो प्रेयर किया करते थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखो कि आप ये जो मेंशन है ना वो एक रेसिडेंशियल एरिया में, ये देखो ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, और आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना वो एक पूरा मेंशन है, देखो तो ये एक पूरा मेंशन है, ये पूरा ग्रीन है और इसकी बाउंड्री यहाँ पे ख़त्म होती है ये लास्ट वाले पिलर पे। तो कल हम जब ब्लू मेंशन गए थे ना तब जो हमें स्टोरी नरेट कर रहे थे ना वो भी बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे मेंशंस थे लेकिन गवर्नमेंट ने सारे के सारे मेंशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब नॉट मेंशन बट बहुत सारी ऐसी ओल्ड बिल्डिंगें थी जिसको गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे ऐसे हाई राइज बिल्डिंग या फिर मॉडर्न कर दिया उन लोग ने, और ऐसी जो मतलब पुरानी यादें और ये जो ऐसी स्टोरीज थी ना हिस्ट्री में वो लोग वहाँ यहाँ से निकालने की ट्राई करी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये प्रिजर्व किए ऐसे, और ये भी ऐसे में उसी में से एक है। तो ये एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, वहाँ पे आगे ऑफिसेज है, और ये शायद एक इंडिया हाउस करके वो क्या है वो पता नहीं, ये जो हाउस दिखा ना वहाँ पे वो क्या है वो पता नहीं, लेकिन हाँ वो सब ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। और वहाँ पे ये बीच में ऐसा एक मेंशन बना के रखा है, देखो ये पूरा जो मेंशन है ना ये बना के रखा है इन लोग ने, बना के तो नहीं मतलब ये था यहाँ पे और फिर यहाँ पे आजू बाजू कंस्ट्रक्शन हुई है पूरी। तो भाई मेरा मेंशन का टूर पूरा ख़त्म हो गया है और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी लिए, वो मैं शेयर कर देता हूँ वो वीडियोस पूरा, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देख लेना, और वो मतलब उन लोग ने पूरा समझाया तो मैं आपको पूरा तो नहीं समझा पाऊँगा कि उसमें क्या है, पर मैंने वीडियोस डाल दिए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, पता है मुझे ऐसे हिस्टोरिक जो होती है ना जहाँ पे स्टोरी होती है कुछ बनने की तो वो मुझे बहुत ही पसंद है वो, तो इसीलिए हमने कल एक ब्लू मेंशन देखा और आज हमने ये देखा है। और ब्लू मेंशन में मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं अपने फैमिली के साथ था, तो फिर मैंने नहीं बनाया और वो ऑलरेडी निकल गए, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट मेक द वीडियो यस्टरडे विद द ब्लू मेंशन बट मेरे इंस्टाग्राम पर ये कोई किंग विंग नहीं था, ये सिर्फ ऐसा ही था कि एक बड़ा बिजनेसमैन था, तो ऑफकोर्स पहले के ज़माने में 150 साल पहले जब बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो वो क्या करते, तो उसी की स्टोरी थी। तो एक बार आप डाल देना परानाकन फैमिली ओके। और जैसे मैंने एक चीज़ मैंने वो भी बताई कि